है मुहम्मद सरवर सल्ले अला। डूंगी कब्र ते रात हनेरी है, सानू कलमे नाल दलेरी है जी। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्ला, है मुहम्मद सरवर सल्ले अला। इस कलमे दे राज न्यारे ने, इस कलमे दे राज न्यारे ने, इन डुबदे बेड़े तारे ने, सानू दसया नबी प्यारे ने। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्ला, है मुहम्मद सरवर सल्ले अला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, अज तुहाडे नाल अपना वजीफा वह शेयर कर लगा जिहड़ा मेरे पीर ने मैनू दस्या। जिस तरह दसदा शुरू तो मैं करदा रहिंदा, इंशाल्लाह तुसीं वी करोगे तो फिर तुसीं इंशाल्लाह जिहड़ा तुसीं कहिंदे हो बाबा जी 10-10 साल हो गए सानूं, साडी जबान असर नहीं पैदा हुंदा पिया, असीं 3 महीने वजीफा किया, 2 महीने वजीफा किया, साडा वह कम ही नहीं हुंदा। तो मेरे बच्चो, तुहानूं मैं असल तरीका दसण लगा जिहड़ा बजुर्गां दे दिन करदे आए ने, तो जिस तरह करदे ने बजुर्ग, वो है नहीं 3 दिन महीने महीना करके छड़ दिता, नहीं उन्हें मुसलसल एक चीज़ में रखना होंदा, वजीफा पूरा करना होंदा जिहड़ा करना, वो तुहानूं मैं तरीका दस दिंदा। एक दिन दे विच, हजे तुहानूं मैं एक पहला तरीका दस लगा, 2 तरीके होर पिछे बाद तुहानूं दसां। 72,000 दफ़ा जिक्र अल्लाह दा इस्म अल्लाह दा पढ़ना पैंदा है, 72,000 दफ़ा एक दिन दे विच। तो दोस्तों, फिर तुसीं इह पढ़ोगे तो फिर तुसीं देखना तुहाडी जबान असर आंदा कि तुहाडी, तुसीं 5 गल्लां सोचोगे, एक गल ही तुहाडे दिमाग सोच दोगे, तुहाडी गल पूरी होई। गल्लां मेहरबानी नाल घट तो घट तुसीं इहनूं 5-6 महीने लगातार तुसीं करोगे, छड्डना नहीं है जिक्र नूं। जदों तुहाडा जिक्र जारी हो गया, इत्थे जिक्र तुसीं लाया तादाद नूं, फिर तुसीं तादाद घटानी नहीं, इस तों वधानी है, वो तुहानूं मैं दस्सांगा वधानी है। इहनूं 90,000-125,000 तक लिजाणा है इस मल्ला नूं। मैं पढ़दा जे या अल्लाह हो, जिहड़े मेरे मुर्शिद नूं दस्सिया दा, ते तुसीं जिहड़ा मर्जी इस मल्ला पढ़ सकदे हो, सब अल्लाह दे इस्म बरकत नाल ने, ठीक है। लेकिन इसमें ज़ात ऐ हुई है या अल्लाह हो। तो दोस्तों, इनू पढ़न दा तरीका तुहानूं मैं दस दिंदा, 72,000 किस तरह पूरा करना तुसीं एक दिन दे विच। सुबह दी नमाज़ पढ़ के 500 दफ़ा दरूशी पढ़ना जी, जिहड़ा भी तुहानूं याद है, छोटा दरूद याद है, जिहड़ा मर्द वड्डा, जिहड़ा तरह 500 दफ़ा पढ़ना, दरूद घट नहीं पढ़ना तुसीं, जिस तरह बजुर्ग पढ़ते आ रहे हैं, 500 दफ़ा दरूशी पढ़ना। उस तो बाद तुसी बह जाना जिथे नमाज़ पढ़ के बैठे जे फजर दी, उस जगह पर बह जाना, बस तस्वीर हज़ार लैनी है, तो जां फिर तुसी अपना घंटिया हिसाब नाल, जिस तरह मैं तुहानूं अक्सर कहना घंटिया हिसाब नाल बंदा पढ़ाई कर सकता है। मैं दोस्तों इहनूं घंटे विच 7,000 दफ़ा पढ़ लैना या अल्लाह दा विरद। आम बंदा जिहड़ा वो 6,000 तो लाजम पढ़ लैंदा घंटे दे विच, ठीक, घंटे विच 6,000 दफ़ा बंदा बड़ा आराम नाल पढ़ लैंदा। दोस्तों, सुबह दी नमाज़ पढ़ के 500 दफ़ा दुरूशी पढ़ के तो बह जाने एक जगह पर, उस तो बाद 36,000 दफ़ा इनू एक नशिश्त विच पढ़ना, एको चिले विच पढ़ना, एको जाने की जगह पर बह के पढ़ना है। मैं पढ़ लैना 5 घंटे दे विच, मैनू लगता है 5 घंटे पढ़ दे, तो तुहानू भी 5 घंटे लगने चाहिए ने, जो ज़्यादा तो लगने 6 घंटे लगने, 6 घंटे तो बाद नहीं जाएंगे, ठीक है। पहली नशिश तुसीं इनू करना इस तरह पूरा 36,000 दफ़ा, उस तो बाद इनू इशा दी नमाज़ तो बाद 36,000 हुण पढ़ लै, सुबह इशा दी नमाज़ पढ़ के 18,000 दफ़ा तुसी इनू पढ़ना इस इस्म नू, इस्म अल्लाह दा, या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो। उस तो बाद 18,000 हो जाना, फिर सुबह दी तहज्जुद दी नमाज़ पढ़नी तुसी उठ के 2 बजे पढ़ो, 2 नफ़ल नमाज़ पढ़ के असल तुहाडा इत्थों कम शुरू होना है। तुसी पढ़ ली, पढ़ के उस तो बाद 18,000 दफ़ा इनू पूरा करना है विरद नू, या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो। मैं या अल्लाह दा विरद करना, मैं तुहानूं फिर कह रहा, तुसी जिहड़ा भी इस्म पढ़ना है पढ़ सकदे जी, लेकिन या अल्लाह पढ़ोगे तो इहदा ज़्यादा इहदे नाल कुरब हासिल होंदा है। इहनूं कहिंदे अल्लाह नाल मुहब्बत करना, अल्लाह भी अल्लाह तो कुरब हासिल होंदा इहदे नाल, ते बंदे नूं अल्लाह नाल मुहब्बत हो जांदी, मुहब्बत होएगी ते इहनां पढ़ेगा, नहीं तो बंदा पढ़ नहीं सकदा। तो दोस्तों, इह लाइन जिहड़ी है एड्डी कोई आसान लाइन नहीं हैगी, ये लोहे के चने चबाने पैंदे ने, फकीरी लैन जानी ना, एवें नहीं किसी ने कहा
ਔਖੀ ਲੈਣ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਣੇ ਅਤੇ ਮਾਵੇਂ ਭੈਣ ਮਾਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਸਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੋ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤਦਾਦ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਫਿਰ 90,000 ਦਫ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ 90,000 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ 90,000, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,25,000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, 1,25,000 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆਬੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚਾਹ 'ਤੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਰਧ ਵਜ਼ਾਫ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਲੇ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਲਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ 72 ਦਫ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 72,000 ਦਫ਼ਾ। ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਇੱਕੋ ਚਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 72,000 ਦਫ਼ਾ। ਮੈਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ 72,000 ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, 10 ਘੰਟੇ 72,000 ਦਫ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ 11 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਓ, 12 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 12×76, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੂਵਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਓ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤ।